गुड इवनिंग वन एंड ऑल। आज पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी में बेल्ट ग्रेडिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सुमन तलवार, सुप्रीम मार्शल आर्ट स्टार और वीआईपी गेस्ट श्री जगदीश्वर यादव साहब, तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। मैं बिहाफ ऑफ पाको मार्शल आर्ट ये बड़े डिग्निटीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप लोगों ने हमारे पाको मार्शल आर्ट एकेडमी में आकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और बढ़ा दी।
और आज हम यहाँ पर इस वजह से बैठे हैं कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे आज यहाँ पर जो बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में हिस्सा लिए हैं उनको बेल्ट और सर्टिफिकेट इशू करने के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं वो बच्चों को बेल्ट और सर्टिफिकेट हमारे जो चीफ गेस्ट और VIP गेस्ट हैं उनके हाथों से हम लोग दिला रहे हैं। और आज ये बात सुनकर बहुत खुशी मिली कि मैंने जो डॉक्टर सुमन तलवार साहब सुप्रीम मार्शल आर्ट स्टार को मैंने पाको मार्शल आर्ट एंड सेंडिफेंस अकेडमी का चेयरमैन अपॉइंट किया है। मैंने 11th को हमारी एक मीटिंग थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिसका मैं इंडिया ब्रांच चीफ हूँ और नेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि सुमन सर को हमारी पाको मार्शल अकेडमी के जितने भी ब्रांचेस है जहाँ पर मार्शल आर्ट की एक्टिविटीज़ चल रही है जिसमें स्पेशली सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है वो एकेडमी में हमारे सुमन सर का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। आने वाले दिनों में जो भी इवेंट्स रहेंगे जो भी कॉम्पिटिशन्स रहेंगे सुमन सर हमको ज़रूर तावन करेंगे। और आज और एक इस बात की खुशी हुई है कि हमारे जगदीश्वर सर जो तेलंगाना ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी है उन्होंने भी हमें काफ़ी दुआएँ दी हैं और जब भी हमें कोई चीज़ की भी सपोर्ट होगी हेल्प होगी तो बराबर सर ने बोला है कि बराबर सर की तरफ से हमें सपोर्ट मिलेगा। तो मैं सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इधर आए हैं और टाइम दिए हैं और तमाम पेरेंट्स का और तमाम स्टूडेंट्स का जो आज यहाँ पर जमा हुए हैं और ख़ासतौर से हमारे AK रफी सर है झांकी सर जो अपना टाइम लेकर आए हैं, अशोक सर और हमारे सैयद अब्दुल हादी सर जो मेरे दोस्त हैं वो भी आज यहाँ पर है और तेलंगाना ग्रीन क्रॉस सोसाइटी के ख्वाजा सईदुल साहब भी हमारे साथ हैं, खालिद बावदी साहब, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबसे यही दुआ है कि आज जो हमारे बच्चे आज जिसे खेल रहे स्टेट खेल नेशनल खेल रहे कल जो ओलंपिक चल रही है वो ओलंपिक के हिस्सा बने। शुक्रिया, थैंक यू। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं मिला लेकिन उम्मीद है कि बच्चों के परफॉर्मेंस पे आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगा जरूर। गवर्नमेंट की नॉलेज में है, मैं कई दफ़ा स्पोर्ट्स चेयरमैन ये अकेडमी जब ओपन हुई थी उस टाइम पे वेंकटेश्वर रेड्डी साहब जो तेलंगाना स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो कुछ करेंगे और देखते हैं आगे गवर्नमेंट से। मतलब जैसे मैं जानता हूँ कि काफ़ी कम समय में आप जो है ना काफ़ी बच्चों को मतलब चैंपियन बना सकते हैं तो मतलब इसके तालुक से गवर्नमेंट के काम तक मतलब कुछ अल्फाज आपके तालुक से कभी आपको ऐसी कोई सपोर्ट गवर्नमेंट से आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं ओलंपिक से जो है ना मतलब अभी सर आए हुए हैं तो आपको क्या मौका आगे मिलेगा? सर जगदीश्वर सर से मेरी आज ही मुलाकात हुई और जब पहली मुलाकात में मुझे जगदीश्वर सर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। जैसा कि मैं स्पोर्ट्स चेयरमैन वेंकटेश्वर जी साहब के पास गया था और जब हमारे बच्चे इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स जीत कर आते थे हमेशा हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ साहब के पास जाते थे, फोटो सेशन होता था और वो कमिटमेंट्स करते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गवर्नमेंट के पास स्पोर्ट्स कोटे के लिए बजट नहीं उस वजह से सपोर्ट नहीं मिल सका लेकिन मुझे यकीन है कि अभी आने वाले दिनों में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि अब कराटे ऑलरेडी ओलंपिक गेम है तो अभी ओलंपिक गेम कराटे होने की वजह से कराटे में हमको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा और जबकि ओलंपिक के सेक्रेटरी तेलंगाना से हमको सपोर्ट करेंगे तो इनडेफिनेटली हमको जब इंटरनेशनल लेवल पर हम खेल के आएंगे या जाने के लिए कुछ भी जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे हम सर के सामने रिक्वेस्ट रखेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि सर जब हमारे साथ में है तो कोई भी चीज़ मुमकिन है, पॉसिबल है, अभी पॉसिबल है।